जाने कितने इसके हैं रूह, एक बल जादू एक बल दू, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफ़रतों की आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के आईने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने, कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू कभी मुस्कान। अगर गीता दीदी आपके पास। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, क्यों गीता रहोगी मेरे साथ। हाँ। देखो बिटवा, अगर हमरे काम में कोनो हरक नहीं हो तो तोरे पढ़ाई से हमको कोनो फर्क ना पड़े। सच पप्पा? हाँ। दीदी हम कल ही से आपके पास पढ़ने के लिए आ जाए, अगर एक बार कर्जा अदा हो गया उसके बाद लाओ भी अपनी और उससे आने वाला पैसा भी। हाँ बिल्कुल ठीक, चलो आज हम तुम्हारा फॉर्म भरा देते हैं, एक दो महीना में तुमको कर्जा मिल जाएगा। जब मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था तभी तुम्हारे बारे में सोच रखा था, कहाँ सोचा था, यही कि तुम मास्टर नहीं बनोगी। अम्मा पप्पा हमारा स्वीकार करेंगे? काहे नहीं स्वीकार करेंगे, और फिर हम उनका ये थोड़ी ना बताने वाले हैं कि हम तुमका कहाँ से लाए। नहीं शरद भैया, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गीता बदल चुकी है, जहालत के दलदल से निकल चुकी है, इसे स्वीकार कर लो। मान भी जाइए ना। मान जा, कहाँ मान जा, अरे गांव वाले जात बिरादरी वाली पूछेंगे कि तुम्हारी बिटिया इतने दिन कहाँ गई थी, तो क्या जवाब देंगे हम? उन्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं है धन्या, और तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गीता का अतीत उसका अपना है और उसका अतीत दुनिया से छुपाया जा सकता है। अब अगर मगर कुछ नहीं पप्पा, गीता दीदी हमारे साथ रहेंगी बस। ठीक है, तुम सब लोग चाहते तो रखो इसे घर में मरो, लेकिन हमारा इसका कोई संबंध नहीं रहेगा। बलमा पप्पा फिक्र मत करो गीता, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा की आंखों पर जहालत का पर्दा पड़ा हुआ है और उसे तुम्हें हटाना है। तुम्हारा काम अपने ही घर से शुरू होता है, तुम्हें अपने अम्मा और पापा को पढ़ाना है, उन्हें साक्षर करना है। ये हो गया। ओ, 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 फिर आ, आ, फिर हो गया ई, फिर हो गया बड़ी ई, अब ये सब लिखते हैं। अ लिखी, गीता। ओ गीता बिटिया। जी पप्पा आई। तो हमारा कितना ख्याल रखती है रे, इस रजवा कहाँ है? पता नहीं, कुछ कह के नहीं गया, देख के आते। महुआ, ए महुआ, क्या बात है? खाए क्या का? मैं अभी लाती हूँ। बप्पा अम्मा
क्या बात है सरद, चिल्ला रहे हो? आज हम बहुत खुश हैं, आज हमारा सपना पूरा हुई गवा। पप्पा हमने उनाव खरीद ली है। कहा? हाँ, वो जो हम फार्म भरे थे ना कर्जे वाला चंद्रू के साथ में, सरकार ने उनका मंजूरी दे दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है रे। अब हमरे पप्पा को किराए के नाव में मछली मारने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमरे पप्पा मालिक बन गए, सेठ, धनिया सेठ। काश ये बात हम बहुत पहले समझ गए होते, तो तुमको पढ़ा लिखा दिए होते और हम खुद भी पढ़ लिख लिए होते, तो आज हमारे बच्चों की जान रुपया की खातिर नहीं जाते। पापा काहे पुरानी बात हमको याद करके दुखी होते हो, भूल जाओ, ये खुशी का मौका है, ये सोचो कि हमको अब आगे क्या करना है। बस पापा हम ये खबर चंद्रू को सुना के आते हैं, वही के कारण तो ये सब हुआ है। अम्मा चंद्रू ने हमारी आंखें खोल दी है, हम जाते हैं। अरे बिटवा बिटवा बाप, अरे अरे भगवान सुनो, आज आज घर में हलवा पूरी बनना चाहिए, आज हम सूखी रोटी नहीं खाएंगे। अरे धनिया सेठ बन गया, सेठ, एक नाव का सेठ, हमारे बिटवा ने हमको मालिक बना दिया। और अब बिटवा कितना समझदार हो गया है ना, अब तो कमाने भी लग गया है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। आप मेरी मुंह की बात छीन ली। अरे विकास भैया बता रहे कि उखरी नजर में एक लड़की है, उखरे से बिटवा की शादी की बात करें। ये तुमने खरीद लिए बिटवा? हाँ पापा। वाह बिटवा, पापा अब रो कह रहे हो, ये तो खुशी का मौका है, अब हमको किराए के नाव में मछली मारी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम मालिक बन गए हैं। हम रो नहीं रहे बिटवा, ये तो हमारे खुशी के आंसू है। जब तू यहां से चल दिया था ना, तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा नसीब में ये दिन भी देखना लिखा होगा। बिटवा तू आया तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां लाया। बिटवा तूने तो हमारी जिंदगी बदल दी रे बिटवा। पापा हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी बदलने वाले, ये सब कमाल तो हमारी पढ़ाई लिखाई का है, अगर हम पढ़े लिखे ना होते तो का आज हम ये नाव खरीद पाते? जब हम पढ़ लिख गए थे ना, तभी से हमारे मन में इच्छा जागी थी कि हम अपना भविष्य सुधारेंगे, अब हमको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, वो पैसा हम बचाएंगे, अम्मा को देंगे और उससे मुनिया की शादी करेंगे। काश काश बिटवा वो वक्त हमारे पास रुपया होता ना, तो गीता बिटिया की शादी हम रामदेव से कभी ना करते, और हमारी हमारी रज्जू की जाल बच जाती बेटा। हम अखरे गुनाहगार है, दिलों के गुनाहगार है बेटा। बता रो मत, पर बिटवा अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, रुपया के खातिर मुनिया का जान नहीं जाने देंगे, अकुनाहरे गहरे से उसका हाथ नहीं देंगे। ये हुई ना कुछ बात, चलो बिटवा। हाँ अपनी नाव में चलते, चलो चलो बिटवा, चलो।
में मछली फंस गई रे। हाँ पप्पा लगा दिन। चलो पप्पा चल बच्चा चल संभल कर उठना। बिटवा ये बता का इतने सासी मछलियां हमसे नाराज थी का? ऐसा कहा लग रहा है आपको? नहीं जब हम मछली पकड़ने जाते थे तो हमारी जाल में दो चार ठो मछली आती थी, आज तुम्हारी जाल में इतनी सारी मछली। कहे बिटवा इससे तो ना ये कि मछलियन का पता लग गया कि कौन अनपढ़ है और कौन पढ़ा लिखा है। पप्पा क्या बात करते हो। नहीं बिटवा मछलियन को पता लग गया कि हम अनपढ़ हैं, इखरे खातिर हमारी जाल में नहीं फंसती थी, और तुम जाल डाले हो ना तो इतनी सारी मछलियां भर भर आके फंस गई। पप्पा ऐसी कोनो बात नहीं है, हमारे दिन बदल गए पढ़ाई लिखाई की वजह से। अगर बिटवा पढ़ाई लिखाई से दिन बदल जाते हैं तो शर्मा कह रहे हो, बोलो ना। बिटवा हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो बप्पा ही तो बड़ी खुशी की बात है। बिटवा हमको शर्म आती है का ये उम्र है हमारे पढ़ाई लिखाई की। क्या बात करते हो बप्पा, पढ़ाई लिखाई की कोनो उम्र नहीं होती और ना ही पढ़ाई लिखाई पर कोई पाबंदी है। आप हमारे साथ रात में पाठशाला चलना, वहाँ आपसे बूढ़े बूढ़े आदमी पढ़ने आते हैं। अच्छा नहीं बिटवा मगर हमको शर्म आती। फिर वही बिटवा का ऐसे नहीं हो सकता कि जब हम मछली पकड़े यहाँ आए तो वही टाइम तुम पढ़ा दो हमको है? पप्पा ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा करते हैं आज ही से पढ़ाई शुरू कर दे। ना बेटा कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, आज आज मछली लिया हम जा रहे हैं। अच्छा पप्पा हाँ? बैठो पप्पा। हाँ बेटा हाँ। जब तक हम मच्छी मार के आते हैं तब तक आप ई अक्षर लिखने की कोशिश करो। हाँ बेटा ये देखो ई है का है आ, 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 और ई है आ का है आ, आ और ई है ऊ। बस बेटा आज के लिए दो अक्षर बहुत है, हमरे एकरे से ज्यादा हिम्मत नहीं। अच्छा ठीक है, जब तक हम आते ही काम पूरा करके रखो। हाँ तू जा, तेरे सामने हमको शर्म आ रही। जा ठीक है पप्पा हम जाते हैं। हाँ बेटा संभाल के जाना। हाँ। आ, 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 Thank you.
से फिर नीचे और एक ऐसा आड़ी सीधी फिर ये हुआ। आराम नहीं पड़ा? नहीं अम्मा। अरे गीता, ओ गीता। जी अम्मा। शरद का बदन तो तप रहा है गीता। मैं अभी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। हाँ जल्दी से जा और तेरे पापा को भी ये खबर दे देना कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। जी अम्मा। शरद तो जल्दी से ठीक हो जा। तेरे शादी का दिन नजदीक आई गवा है। शादी? शरद है? शरद चंद्रो तुम कहाँ चला गया था तू? अरे हम कुछ काम से लखनऊ गए थे, वापस लौटे तो पता चला तुम बीमार हो। कहाँ हुआ? अरे कहाँ बताएं, बदन में बहुत दर्द है और बुखार भी बहुत तेज है। अच्छा, डॉक्टर को बताया? बताया, डॉक्टर को बताया, हकीम को बताया, पर बुखार कम वक्त उतरने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा सर, तू चिंता मत कर, किसी अच्छे डॉक्टर से तेरी जाँच कराएंगे। शरद, अरे लेटे रहो। कैसे हो? अच्छा। प्रकाश दीदी, हम सोच रहे थे कि शरद की किसी सरकारी अस्पताल में जांच पड़ताल करवाते हैं। अच्छा एक मिनट प्रकाश दीदी। दीदी क्या बात है चंद्रू? दीदी हमें डर लग रहा है कहीं शरद को। शरद को क्या? बोलो ना। अरे इसका बुखार और कमजोरी देखकर तो डर लग रहा है कहीं शरद को एड्स। क्या? हाँ दीदी, शरद की आदतें भी तो वैसी रही हैं। हमने तो बहुत समझाया पर हमारी एक नहीं मानी। अगर ऐसी बात है तो शरद की फौरन जांच करवानी होगी। शहर के एक हॉस्पिटल में मेरी जान पहचान है, हम शरद को वहीं ले चलते हैं। अच्छा ये धनिया काका को तो नहीं बताना पड़ेगा? बताना तो पड़ेगा। हाँ लेकिन एड्स के बारे में नहीं बताएंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि उसकी जांच करवाने उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और दो चार रोज में वापस लाएंगे। जी जी। मैंने तुम्हारा खून जांच के लिए भेज दिया है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर साहब हमें क्या हुआ है? अरे वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा ना। डॉक्टर साहब हम हाँ बोलो। मर तो नहीं जाएंगे ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, और हम किस लिए है? और बुखार से कोई मरता थोड़ी है, ऐसी बात भी दिमाग में मत लाना। हाँ लेटे रहो, लेटे रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बहन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। शरद की तबीयत कैसी है? अब ठीक है, बुखार तो उतर गया है और मैंने उसका खून जांच के लिए लैबोरेटरी में भेज दिया है। किस जांच के लिए डॉक्टर साहब? HIV एड्स। एड्स? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा एड्स है या नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब। प्रकाश बहन, ये लोग समझते ही नहीं है, सरकार ने एड्स से बचने के लिए क्या नहीं किया। आज शरद जैसे कई इंसान है जो इस बीमारी से बेखबर है और इसका कारण है उनका अनपढ़ होना। सरकार भले ही पोस्टर्स लगवाकर उनको सावधान करने की कोशिश करे पर जब ये लोग पढ़ना लिखना जानते ही नहीं तो उन्हें इस बीमारी के बारे में पता कैसे चलेगा। नहीं नहीं प्रकाश बहन, इस बीमारी की जानकारी के लिए सिर्फ पोस्टर से नहीं बल्कि और भी कई तरीके हैं, जैसे कि फिल्म। शरद जैसे अनपढ़ लोगों के लिए ऐसी फिल्में बनाई गई है। ऐसे फिल्म दिखाने के लिए सरकार ने मोबाइल वैन्स रखे हैं जो गाँव गाँव जाके ऐसे फिल्म दिखाते हैं।
डॉक्टर साहब, क्या ये फिल्में हमारे मुखवापुर गांव में दिखाई जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। चंद्रू, तुम शरद के पास बैठो, मैं डॉक्टर साहब के साथ बात करके आती हूँ। जी दीदी। आइए प्रकाश। शरद। चंद्रू बैठ। कैसे हो सर? चंद्रू, हम मर जाएंगे। चंद्रू नहीं सर, चिंता नहीं करें। चंद्रू, हमको मालूम है ये मामूली बुखार नहीं है। सच बता, क्या बात है? नहीं सर, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। चंद्रू, तो कांबड़े की कसम, सच सच बता, क्या बात है? शरद, डॉक्टर साहब का कहना है कि, यानी उन्हें पूरा पूरा यकीन नहीं है, लेकिन 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 का उन्होंने तुम्हारा खून HIV जांच के लिए भेजा है। HIV? ये HIV का होता है? एड्स। एड्स? हाँ, किसी एड्स बाधित व्यक्ति के साथ असुरक्षित संबंध रखने से ये बीमारी लग जाती है। कसरत, तुमने भी कभी? चंद्रू, चंद्रू, हमें बचा लो चंद्रू, हम मरने नहीं चाहते चंद्रू। घबरा मत शरद, हमें जीना है चंद्रू। शरद, तुम इस बीमारी के बारे में जानते हो? भगवान ना करे, अगर ये बीमारी तुमको लग जाएगी ना, तो तुम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वो तुम्हारी बीवी को भी लग सकती है। दीदी तुम्हारी रिपोर्ट लेने गई है। चंद्रू, हमका बहुत डर लग रहा है, कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चंद्रू, जवानी के जोश में हम भूल गए थे कि हम मौत को गले लगाने जा रहे हैं। शरद, क्या हुआ प्रकाश दीदी? चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमको एड्स नहीं है? नहीं शरद, ये बुखार कुछ मामूली इन्फेक्शन की वजह से है और तुम कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चंद्रू, हमें एड्स नहीं, हम बच गए। कुछ किस्मत है शरद भैया, मगर किस्मत हमेशा साथ ना ही देते। ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, पर अब ऐसी गलती हम नहीं करब, क्योंकि वो समय तुम पढ़े लिखे नहीं थे, पर अब तुम पढ़े लिख गए हैं, अब हम कोनो गलती नहीं होने देंगे। वादा? हाँ वादा। शरद, तुम वाकई खुशकिस्मत हो। हाँ दीदी। लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसे कई इंसान हैं जो जहालत की वजह से गुमराह हो रहे हैं। अब हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना है, उन्हें ऐसी बातों से अवगत करवाना है जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। दीदी, ये काम में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें प्रकाश हो दीदी। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जल्दी से ठीक हो जा ताकि हम ये काम फौरन शुरू कर सके। हाँ दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। हे भगवान, हमारी किस्मत हमारे काम आ गई, बचा लिया हमको। चंद्रू बच गए। हाँ
कितने इसके हैं रूह, एक पल जादू एक पल दूर, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफ़रतों की आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीते कल के आईने।